साक्षी लाल को लेकर एक और गुड न्यूज सामने आ गई है जिसने फैंस को खुशी से दीवाना बना दिया। पवनदीप अरुणता की किस्मत ने एक बार फिर से बड़ी छलांग लगा दी है। पवनदीप अरुणता का नाम अब बड़े सिंगर्स के साथ जुड़ने लगा है। जी हाँ, हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि अरुणता कांची लाल मोहित चौहान के साथ गाना गाने वाली है। बल्कि अरुणता ने मोहित चौहान के साथ गाना रिकॉर्ड भी करवा लिया है और बहुत जल्द आप अरुणता को नए अंदाज में देखने वाले हैं, धमाल करते देखने वाले हैं। वही अरुणिता के बाद अब पवनदीप ने भी बड़ा काम कर दिखाया। तो चलिए पूरी बात हम आपको बताते हैं, लेकिन आपको याद दिला दें हमारा न्यू ब्लॉग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फैंस, अरुणिता के बाद अब पवनदीप का नाम अरिजीत सिंह के साथ जुड़ने वाला है। जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नामों में से एक अरिजीत सिंह के साथ अब पवनदीप भी काम करेंगे। अरिजीत सिंह और पवनदीप जिस फिल्म के लिए गाना गाने वाले हैं उस पर शाहिद कपूर नजर आएंगे। हालांकि अभी तक फिल्म और गाने का नाम नहीं पता चला है, लेकिन जैसे ही पवनदीप के फैंस को पवनदीप और अरिजीत सिंह की खबर मिली, फैंस खुशी से पागल हो गए, क्योंकि पवनदीप का सपना था कि वो अरिजीत सिंह के साथ काम करें। पवनदीप के फेवरेट सिंगर भी हैं अरिजीत सिंह। ऐसे में अब पवनदीप का ये सपना पूरा होने जा रहा है। अब ये तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए पवनदीप कहां तक जाते हैं। जहां अरुणिता मोहित चौहान के साथ नजर आएंगी, तो वहीं पवनदीप अरिजीत सिंह के साथ गाना गाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बहुत जल्द आप इन सिंगर्स को एक साथ एक मंच पर धमाल मचाते देखने वाले हैं। तो आप इस दिन के लिए एक्साइटेड हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो फैंस पवन अरुणता के लिए इसलिए शोर शराबा मच रहा है क्योंकि पवन अरुणता इंडियन आइडल 13 में नजर क्यों नहीं आ रहे हैं। अभी तक शो के कई प्रोमो आ चुके हैं, लेकिन वो क्रेज नहीं देखा जा रहा है जो पवनदीप अरुणता के होने पर था। ऐसे में साफ है कि पवनदीप अरुणता की डिमांड की जा रही है, शो में पवनदीप अरुणता की कमी खल रही है। और अब तो लोग साफ साफ कमेंट बॉक्स में अपनी बात खुलकर बोल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पवन अरुणिता को इंडियन आइडल 13 में एडिशनल जज बनाया जाए। एक फैंस ने तो ये भी लिखा कि जब नेहा कक्कर जज बन सकती हैं, तो अरुदीप क्यों नहीं जज बन सकते। कुछ फैंस ने ये भी कहा कि अगर जज नहीं बनते तो इन्हें बीच बीच में एपिसोड में आकर दर्शकों का एंटरटेनमेंट करना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं? क्या इंडियन आइडल 13 के मंच पर पवन अरुणिता की कमी सच में खल रही है? क्या पवन अरुणिता के ना होने पर शो को टीआरपी नहीं मिलेगी? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि अगर पवनदीप अरुणिता नहीं तो शो भी नहीं। पवनदीप अरुणिता के बिना लोग ये शो देखना ही नहीं चाहते। मतलब अगर पवनदीप अरुणिता इस शो में जाएंगे तो शो का नुकसान नहीं होगा, दर्शकों का भी एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो आप पवनदीप अरुणिता को शो में देखना चाहते हैं कि नहीं, कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो फैंस, पवनदीप का 9 सितंबर को कोलकाता में जबरदस्त इवेंट हुआ। पवनदीप इस बार कोलकाता अरुणिता के साथ शो करने नहीं गए थे, बल्कि वो अपनी मूवी प्रेम गीत का प्रमोशन करने के लिए पूरी टीम के साथ गए थे। हैरानी की बात तो ये है कि फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेस से ज्यादा पवनदीप की डिमांड देखी गई। लोग एक्टर और एक्ट्रेस को छोड़कर पवनदीप के पास खींचे चले आ रहे थे। पवनदीप के संग सेल्फी लेने में हदें ही पार कर दी। बाकायदा पवनदीप के पास आकर उनके साथ जबरदस्ती सेल्फी लेने की भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ में लोग उनके कपड़ों को खींचते दिखाई दिए, लेकिन पवनदीप हंसते हुए उन सभी के साथ सेल्फी भी लेते हैं और सबको ऑटोग्राफ भी देते हैं। उनके पास इतना शोर मचाते हैं लोग कि पवनदीप का मंच पर खड़े होना मुश्किल हो जाता है। हालांकि पवन से जितना होता है वो उतने लोगों के साथ सेल्फी भी लेते हैं और उन्हें ऑटोग्राफ भी देते हैं, लेकिन जब भीड़ ज्यादा ही बढ़ जाती है तो पवनदीप के लिए इस भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। तो पवनदीप मंच से नीचे उतर आए। इतना ही नहीं, हदें तो तब पार हुई जब बार बार लोग उनके पास चले ही आ रहे थे और लोग उन्हें कोलकाता का स्पेशल गेस्ट बुला रहे थे, कोलकाता का दमान तक कह रहे थे। अब ये सब देखकर अरुणिता को गुस्सा भी आया और हंसी भी आ रही थी कि कोलकाता के लोग पवनदीप को बच्चों की तरह छेड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और सीधे साधे पवनदीप कुछ भी जवाब नहीं देते हैं, वो सीधे मंच से नीचे आ जाते हैं। कल आप इस वीडियो को देखकर क्या कहना चाहेंगे? क्या पवनदीप का ये कोलकाता में स्वागत और प्यार इस बात का इशारा करता है कि कोलकाता की जनता भी पवनदीप और अरुणिता को शादी के बंधन में देखना चाहती है?
ऐसा लग रहा है कि गाने में पवन अरुणता की सिर्फ आवाज ही नहीं ली गई है बल्कि पवन अरुणता खुद इस गाने में एक्टिंग कर रहे हैं। गाने को समझना तो मुश्किल है लेकिन जितना समझ में आ रहा है उससे बताया जाए तो ऐसा लग रहा है कि गाने में साड़ी, झुमके और टीके को लेकर सुंदरता की बात की जा रही है। लड़की की सुंदरता पर पवनदीप ने इस गाने को गाया और अरुणता ने भी अपनी आवाज इस गाने में इस तरह फिरोई है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा रहा है। अरुणिता का ये पहला गाना है, पवनदीप के लिए इस गाने को गाना ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ होगा लेकिन अरुणिता के लिए इस गाने में आवाज देना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि अरुणिता का ये पहला गाना और उन्हें नेपाली भाषा ज्यादा आती भी नहीं है लेकिन पवनदीप के सिखाने पर अरुणिता ने बहुत अच्छा सीखा है और उनकी आवाज की बहुत तारीफ की जा रही है। फैंस उनके इस गाने को बार बार सुन रहे हैं। बेशक कुछ लोगों को आवाज समझ नहीं आ रही है लेकिन गाने की एक्टिंग में ऐसा लग रहा है कि पवन अरुणिता ही है। गाने में जो एक्टर एक्ट्रेस लिए गए वो बिल्कुल पवनदीप अरुणिता की तरह दिखाई दे रहे हैं। एक्टर पवनदीप की तरह भोला भाला सा और एक्ट्रेस भी अरुणिता की तरह बहुत प्यारी लग रही है। कुछ फैंस का कहना भी है कि अगर इस गाने में पवन अरुणता खुद एक्टिंग करते तो बात कुछ और होती। फिर अगर अब तक आपने पवनदीप अरुणता का ये पहला नेपाली सॉन्ग नहीं सुना तो सबसे पहले ये गाना सुने और हाँ पवन अरुणता को बधाई दे और इनके लिए प्यारा सा कॉमेंट भी लिखे। मोहम्मद फैज का रोड शो निकाला गया तो उनके कार के आगे पीछे कई सारी कार और बाइक दिखाई दे रही हैं। उनकी कार के पीछे कई लड़के दिखाई दे रहे हैं। जोधपुर में फैज का ऐसा स्वागत देकर फैंस खुशी से झूम रहे हैं। रोड शो में हर कोई फैज का नाम पुकारता दिखाई दिया। फैज भी इतनी भीड़ और अपनों का इतना प्यार देखकर इमोशनल हो गए। फैज की आंखों में आंसू आ गए और फैज इस वक्त अपनी माँ को याद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ तक पहुँचाने में उनकी माँ का सबसे बड़ा सहयोग है। फैज का कहना है कि अभी उन्हें बहुत सारे काम करने हैं, जोधपुर और देश का नाम रोशन करना है। फैज ने बताया कि मेहनत के साथ साथ उन्होंने सब्र भी रखा है जिसके चलते आज वो इस मुकाम पर हैं। फैज को संगीत की शिक्षा उनके गुरु नाना शंकु खां से मिली है। इसके अलावा उनकी बहन साइवा ने उन्हें संगीत में बहुत कुछ सिखाया। जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया इसके चलते फैज ने खिताब जीता है। फैज के मामा प्रतीक ने बताया कि हमारा लक्ष्य था कि हम एक रियलिटी शो की ट्रॉफी जीतें। फैज बताते हैं कि उनके मामा प्रतीक का कहना था कि वो एक रियलिटी शो की ट्रॉफी जीतें। पहले भी वो दो बार शो में गए थे लेकिन उसमें वो फर्स्ट रनर अप ही रहे। अब यही टारगेट है कि फैज को एक प्लेबैक सिंगर बनना है। फैज ने अपने नाना से गाना सीखने की शुरुआत की थी, खुद भी मेहनत की, उनकी मेहनत और परिवार के साथ ने उन्हें आगे बढ़ाया और फैज लगातार अब आगे ही बढ़ रहे हैं और अब वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखेंगे और फैज इतना आगे बढ़ेंगे कि वो अपनी माँ का सपना पूरा करेंगे। फैज को मशहूर संगीतकार और गायक हिमेश रेशमिया ने अपने एल्बम में गाने का मौका भी दिया था। फैज का कहना है कि इनाम में मिले 15 लाख रुपए माँ को दूंगा ताकि वो घर खरीद सकें और अपने इस सफर के लिए फैज को करीब 8 माह तक कड़ी मेहनत भी करनी पड़ी। संडे शाम को जब जोधपुर लौटे तो उनके स्कूल फ्रेंड्स और टीचर ने उनका भव्य स्वागत किया। पूरे मोहल्ले में जश्न मनाया गया और फैज की लगातार एक के बाद एक कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप फैज के लिए क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।